अरे रचना, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आई, सब ठीक है ना? जी मैम साहब। रचना, तुम्हारे मुंह और हाथ पे ये निशान कैसे पड़े हुए हैं? सच सच बताओ, सब ठीक है ना? जी मैम साहब, बस छोटी सी लड़ाई हो गई थी कल घर पर। छोटी सी लड़ाई? हाँ, वो कल मुझे खाना बनाते समय देर हो गई तो मेरे पति को गुस्सा आया और तेरा ये हाल कर दिया? नहीं नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो कभी कभी गुस्से में ऐसा करते हैं। तुम जानती हो ना, ये सही नहीं है, तुम्हें सब नहीं सहना चाहिए। रचना, ये क्या तुम्हारे मुंह पर आज फिर निशान? तुम्हारे पति को रोज गुस्सा आता है और वह तुम्हारा ये हाल करता है? हाँ दीदी, अब तो मैं इनके गुस्से और मारपीट से परेशान हो गई हूँ, अब तो वे बच्चों को भी गुस्से में मारते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी वजह से घर में किसी भी सदस्य को मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचाना प्यार या गुस्सा नहीं, घरेलू हिंसा है। तुम्हें ये सब नहीं सहना चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए, यही इसका हल है। तुम्हें अपने पति को समझाना चाहिए। चलो मैं तुम्हारे पति को समझाने चलूंगी। सरिता मैम सब आई हैं तुमसे कुछ बात करने। नमस्ते। नमस्ते। रचना के शरीर पर रोज मारपीट के निशान होते हैं और उसने बताया आप अक्सर ऐसा करते हैं, बच्चों को भी मारते हैं। ये गुस्सा नहीं, घरेलू हिंसा है। केवल शारीरिक पीड़ा पहुंचाना नहीं, मानसिक रूप से परेशान करना, धमकाना भी हिंसा होती है। जानते हैं घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। ये तो रचना है जो आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं कराती, वरना आप तो जानते ही होंगे। आप सही कह रही हैं, मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा किसी भी मुसीबत का हल नहीं है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि कभी किसी के साथ हिंसा नहीं करूंगा। अरे रचना, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आई, सब ठीक है ना? जी मैम साहब। रचना, तुम्हारे मुंह और हाथ पे ये निशान कैसे पड़े हुए हैं? सच सच बताओ, सब ठीक है ना? जी मैम साहब, बस छोटी सी लड़ाई हो गई थी कल घर पर। छोटी सी लड़ाई? हाँ, वो कल मुझे खाना बनाते समय देर हो गई तो मेरे पति को गुस्सा आया और तेरा ये हाल कर दिया? नहीं नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो कभी कभी गुस्से में ऐसा करते हैं। तुम जानती हो ना, ये सही नहीं है, तुम्हें सब नहीं सहना चाहिए। रचना, ये क्या तुम्हारे मुंह पर आज फिर निशान? तुम्हारे पति को रोज गुस्सा आता है और वह तुम्हारा ये हाल करता है? हाँ दीदी, अब तो मैं इनके गुस्से और मारपीट से परेशान हो गई हूँ, अब तो वह बच्चों को भी गुस्से में मारते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी वजह से घर में किसी भी सदस्य को मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचाना प्यार या गुस्सा नहीं, घरेलू हिंसा है। तुम्हें ये सब नहीं सहना चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए, यही इसका हल है। तुम्हें अपने पति को समझाना चाहिए। चलो मैं तुम्हारे पति को समझाने चलूंगी। सरिता मैम सब आई हैं तुमसे कुछ बात करने। नमस्ते। नमस्ते। रचना के शरीर पर रोज मारपीट के निशान होते हैं और उसने बताया आप अक्सर ऐसा करते हैं, बच्चों को भी मारते हैं। ये गुस्सा नहीं, घरेलू हिंसा है। केवल शारीरिक पीड़ा पहुंचाना नहीं, मानसिक रूप से परेशान करना, धमकाना भी हिंसा होती है। जानते हैं घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। ये तो रचना है जो आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं कराती, वरना आप तो जानते ही होंगे। आप सही कह रही हैं, मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा किसी भी मुसीबत का हल नहीं है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि कभी किसी के साथ हिंसा नहीं करूंगा।